समोसे वाला। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। सुरेश अनपढ़ होने की वजह से अखबार नहीं पढ़ता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वो काफी समोसे बेच लेता था। उसके समोसे काफी मशहूर थे और दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आते थे। उसकी बिक्री और मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही साथ पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया और एक छोटी सी दुकान भी ले ली। उसे नए ग्राहक मिलते रहे, उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, मैंने टीवी रेडियो और अखबारों से जानकारी ली है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं और लोगों के घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और बचत करनी चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसीलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी ही उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही मुझे सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही और सटीक निर्णय लेना चाहिए।